स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं जो हाफ एंगल फार्मूला पे पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत कम देर में आपको बहुत अच्छा चीज़ और अधिक चीज़ बताते हैं हम। कारण ये है कि जो चीज़ें लिख कर हम समय बर्बाद करेंगे या टीचर लिख कर बोर्ड पर आपको वेट कराते हैं कि चलो अब समझाएंगे, वो चीज़ें हम पहले लिख देते हैं। जैसे कुछ फार्मूला लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, है कि नहीं। तो इससे 10 से 20 मिनट के बीच में मेरा वीडियो रहता है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। वही चीज़ आप दूसरी जगह 2 या 3 वीडियो में जाकर सीख पाते हैं, जो का एक आध घंटा का लेक्चर होता है चाहे लाइव क्लास रहता है। तो आपको अपने समय की कीमत पहचाननी है। वीडियो मीन्स क्या, 10-15 मिनट देखा, समझ में आ गया, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि दिन रात मोबाइल पर लगे रहें। मोबाइल पर लगे रहने का मतलब आपको हेल्थ इफेक्ट होगा। तो चलिए, पूरा सीरीज जो है प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट में पूरा सीरीज है और उस सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा 1-to-1 करके। कोई भी जानकारी चाहिए नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहे कि इफ़ tan x इक्वल टू -4/5 दिया गया है। क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कह रहे कि इफ़ tan x इक्वल टू -4/5 एंड जो यहाँ पे एंगल जो है x जो है, देखिए यहाँ पे π/2 से पाई के बीच रह रहा है, मतलब π/2 से पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट में रह रहा है, इसलिए बनाया फिगर। तो आपको यहाँ देखिए साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, हाफ एंगल में आपको चीज़ें क्लियर करनी है। तो बहुत ही लाजवाब बात है, ये बहुत मज़ेदार बात है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखे हैं, दोनों फॉर्मूला से स्पष्ट हो रहा है कि हमको ज़्यादातर कॉस का यूज पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन बहुत ऑथेंटिक मजेदार है, बड़ा सा बनेगा लेकिन आसान बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे tan x इक्वल टू -4/5 है, सॉरी 3 है। जब भी हाफ एंगल का फॉर्मूला पूछे ना तो आपको जाना कहाँ है, cos के पास। cos कैसे आएगा उसके चक्कर में पढ़ना है बाबू। यहाँ देखिए, तो tan से समझ में आया कि हम लोग एक पता है बात हम लोगों को कि sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस, लिखेंगे यहाँ पे सिंस sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो 1 प्लस इसके स्क्वायर 16/9, तो 9 एकम 9 और 16 25, 25 का 5 ये हो जाएगा 9, 25 का 25 हो जाएगा 9, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ देखिए cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x क्या होगा, इसको पलट देंगे, sec का मान इतना है तो cos का मान क्या होगा, पलट जाएगा 9/25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा, इसलिए हम क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन बनने वाला है ये, ठीक है ना। चलिए, तो cos x बराबर क्या होगा, इसका रूट होगा +-9/3 25/5। हमारे पास दो वैल्यू है, किसी एक वैल्यू को लेना है, लिखेंगे चूँकि x जो है वो क्या है, पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक है, बोलिए पाई के बीच है, इसीलिए ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स बराबर निगेटिव वैल्यू लेंगे 3/5 माइनस में, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब सुनिए एक चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस का मान निकल गया, एक्स जो है वो क्या है, 90 से बड़ा है और छोटा किससे है बाबू, छोटा है आपका पाई से, 180 से छोटा है। यह किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यह बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब करते क्या है हम लोग, सभी में 2 से भाग करते हैं, 90 का आधा 45 बनता π/4, एक्स बटा 2 π/2। मतलब साफ है कि सब में 2 से भाग किया, क्योंकि हमको हाफ एंगल से मतलब था। तो ये जो हाफ एंगल आया, इसका मान 90 से छोटा आया, इसका मान क्या हो गया, 90 से छोटा आया। 90 से छोटा आएगा का मतलब क्या हुआ, छोटा आएगा का मतलब ये हुआ कि ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, समझने के लिए समझिए, यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हो गया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए साइन
एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू क्या होगा, सब जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव का चर्चा खत्म हो गया यहाँ पे, इतना तो बुझा गया। अब आते हैं यहाँ पे मेन फंडा पे, क्या कर दिए, जीरो, क्लियर, यहाँ आ गया, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर निकालना है ना, साइन स्क्वायर टू निकालना है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, बोलिए वन माइनस कॉस एक्स होता है, तो वन माइनस कॉस एक्स का मान कितना है, तो माइनस तीन बटा पाँच है, तो हो जाएगा, रखेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा तीन बटा पाँच, पाँच एकम पाँच तीन आठ, आठ बटा पाँच, यहाँ पे दो है, तो या साइन अगर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चलाएगा दो गुना में नीचे, कट जाएगा चार बटा पाँच, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान, स्क्वायर है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा बालक, एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, बोलिए तो इसका रूट कर देंगे, चार का रूट कितना होगा, दो होगा, इसका कितना रूट, पाँच होगा, समझ गए ना। नेगेटिव तो आप ले नहीं सकते हैं, नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बाई टू पड़ गया है, एक्स बाई टू अगर फर्स्ट में नहीं रहता, सेकेंड में रहता तो वो साइन पॉजिटिव होता तो कॉस नेगेटिव होता, थर्ड में रहता तो कॉस साइन दोनों नेगेटिव होता, सिर्फ टेन नेगेटिव, सिर्फ टेन पॉजिटिव होता, तो ये सब चीज़ इस पे ए एस टी सी वाला पे फॉलो करेंगे, ऑल साइन टेन कॉस पढ़ा है ना। देखिए जो बच्चे शुरू से लगातार अपना सारा का सारा लेक्चर बना रहे हैं नोट्स के रूप में, नोट्स बना रहे हैं, दस दस मिनट का वीडियो है भाई, अगर हम 50 वीडियो भी ट्रिगोमेट्री में बनाए, एक बात करते हैं कि 50 वीडियो बनाते हैं ट्रिगोमेट्री में, तो जोड़ो तो 500 क्या हुआ मिनट हुआ, ठीक है ना, और 500 मिनट का अगर घंटा में बदलोगे आप, तो समझो कि एक मतलब कि घंटा में 100 मिनट में कितना घंटा होता है, लगभग डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा 10 मिनट, तो 500 में लगभग 7.5 घंटे, घंटे एक्स्ट्रा जोड़ लो, है ना, क्या हो गया, बोलिए 7-8 घंटे की वीडियो होगी ट्रिगोमेट्री, पूरा ट्रिगोमेट्री इतना मस्त तरीका से, लेकिन 50 वीडियो तो नहीं बनने जा रहा है, वीडियो बहुत कम बनेगा आपको, 25 लेक्चर 30 लेक्चर काफ़ी हो गया आपके बेसिक लेवल के लिए, ठीक है ना, इतना 10 मिनट का है ना, मान लीजिए 25 से लेक्चर होता है तो 25 दहाके 250, डेढ़ डेढ़ तीन घंटा है ना, चार घंटा क्लास रहेगा, चार दिन में देख सकते हैं, पाँच दिन में देख सकते हैं, एक दिन चार चार वीडियो देखिए, सर समझिए ना, थोड़ा सा टाइम लॉस हो गया इसमें, देखिए इसलिए सब बात नहीं करते हैं हम, लेकिन आप तो मानते नहीं हैं। दूसरा देखिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स का होगा वन माइनस कॉस एक्स होगा, वन माइनस कॉस एक्स का मान कितना है, बोलिए माइनस कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस तीन बटा पाँच है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे तो प्लस होगा ना सर, यहाँ तो प्लस होगा, देखिए यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा तीन बटा पाँच, पाँच एकम पाँच माइनस तीन कितना होगा, दो बटा पाँच, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स है यहाँ पे, एक्स बाई टू यहाँ पे, एक्स बाई टू है यहाँ पे, तो क्या होगा, कट जाएगा दो से दो, तो चलिए कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर इसका कितना है, एक बटा पाँच, मतलब एक बटा रूट पाँच होगा, तो देखिए कॉस का मान मिल गया, कॉस एक्स बाई टू का मान मिल गया, साइन एक्स बाई टू का मान मिल गया है, अब बताइए इसीलिए टेन एक्स बाई टू तीसरा क्या होगा, बोलिए तो साइन एक्स बाई टू बटा कॉस एक्स बाई टू कितना होगा, साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन होता है, इसलिए टेन को लिखा हमने, साइन का मान कितना, दो बटा रूट पाँच, एक बटा रूट पाँच, रूट पाँच कट जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ दो आएगा आपके पास,
टेन एक्स बाई टू का मान कितना आया, सिर्फ 2 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग इसको बढ़िया से देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और कम समय में अधिक चीज़ बताते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।